इनेलू नेता अभय चौटाला आज कुरुक्षेत्र के लाडवा में पहुंचे, जहां लाडवा हल्के का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में इनेलू कार्यकर्ता पहुंचे। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए इनेलू सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को आना था, लेकिन उनके हाथ पर चोट लगने के कारण वे सम्मेलन में नहीं आए। वहीं इस सम्मेलन में कांग्रेस, भाजपा और जजपा छोड़कर आए कई कार्यकर्ताओं को भी इनेलू में अभय सिंह चौटाला ने शामिल करवाया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति और नीतियों के बारे में अब पूरा प्रदेश अवगत हो गया है। भाजपा सरकार केवल झूठ की राजनीति कर रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था, उन पर गठबंधन की सरकार खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि आज भाजपा व जजपा का हरियाणा के अंदर कोई वजूद नहीं रह गया है। वहीं किसान आंदोलन और तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, परंतु गठबंधन व केंद्र की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। साथ ही अभय ने कहा कि जल्द ही इनेलू तीसरे मोर्चे का गठन करेगी और इस गूंगी बहरी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आपके लाडवा में चौटाला साहब का कार्यक्रम था, उन्होंने आज लोगों से मिलने आना था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अभी उनको कुछ समय और पब्लिक के बीच में जाने से डॉक्टरों ने कहा है कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए वो आज नहीं आ सके। उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि मैं जाकर क्या आज जहाँ चौटाला साहब का संदेश इनको लेने आया था, वहीं संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए इनसे चर्चा करी। हम एक ऐसा संगठन प्रदेश में बढ़ाएंगे जो देश में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे बड़ा और सबसे डिसिप्लिन वाला संगठन होगा। किसान आंदोलन जो है सही दिशा में अपने आप में सही ढंग से चल रहे हैं। सरकार ने अनेक कोशिशें करी इस आंदोलन को कमजोर करने की। अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन कर सरकार को सत्ता से बाहर किया जाएगा। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद इनेलू सुप्रीमो ओपी चौटाला भी काफी एक्टिव हो गए हैं, जिससे इनेलू कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।